अभी तक आपने तुलसी और सालाग्राम के विवाह के बारे में सुना होगा। इसके अलावा बारिश नहीं होने पर मेंढक और मेंढकी का विवाह भी देखा और सुना होगा, लेकिन गो और नंदी के विवाह में ढोल नगाड़े और नाचते गाते बराती कभी नहीं देखे होंगे। गोपाष्टमी के अवसर पर गो और नंदी के अनूचे विवाह का आयोजन पूरे विधि विधान से मुरादाबाद में पहली बार किया गया। इस विवाह का आयोजन कानपुर से पधारी जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोगों ने गो रक्षा के लिए आज पूरे रीति रिवाजों से गाय व नंदी का विवाह कराया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद में आयोजित इस अनूठे विवाह में नंदी बाबा दूल्हा बनकर गाजे बाजे और ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर बारात लेकर निकले। बैंड बाजे बज रहे भजनों की धुनों पर नाचते बारातियों के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। गो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विवाह के इस आयोजन की सभी रस्में सामान्य विवाह की तरह ही निभाई गई। गाय को भी दुल्हन की तरह लाल रंग के जोड़े से सजाया गया। बराती भी बैंड बाजे की थाप पर जमकर थिरके। विवाह स्थल पहुंचने पर नंदी बाबा का द्वार पर स्वागत किया गया, लगन पड़ा गया, जयमाला भी डाली गई। कार्यक्रम में बारातियों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। आचार्यों की देखरेख में संपन्न हो रहे इस विवाह में सैकड़ों लोग भी शामिल रहे, जिनके बैठने के लिए बकायदा बड़ा पंडाल और सोफे लगाए गए थे। मैं महामंडलेश्वर योग योगेश्वरी यति श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से। ये गौ नंदी विवाह का आयोजन MIT कॉलेज के परिसर में आयोजित किया जा रहा है मुरादाबाद में। मुरादाबाद ही नहीं, इस क्षेत्र में ये पहला आयोजन है गौ नंदी विवाह। अब तक आप पीपल विवाह और तुलसी और शालीग्राम के विवाह को उसमें सम्मिलित होते रहे और इस तरह के आयोजन आपने सुने भी होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में गौ नंदी विवाह का आयोजन बिल्कुल नया है। एक नई परंपरा इस क्षेत्र में की शुरुआत होने जा रही है, जो इस कॉलेज के परिसर और जो इसके मुख्य यजमान वर वधु की जिम्मेदारी को जिन्होंने उठाया और इस कार्यक्रम को एक संदेश देने वाला, संपूर्ण गौवंश की रक्षा का संदेश देने के लिए इस गौनंदी विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है। ये विवाह की चर्चा हमारे पुराणों में मिलती है, गरुड़ पुराण में, मत्स्य पुराण में और जो है स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। जो द्वापर युग में मथुरा में इसका प्रथम आयोजन करवाया गया था और वक्त के साथ, कालांतर के साथ ये परंपरा विलुप्त हो गई, लेकिन आज के समय जो देश में गौवंश की स्थिति है उसको, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस गौ नंदी विवाह, शिव पार्वती के जैसा विवाह हुआ उस विधि से, उस वैदिक परंपरा से इस गौ नंदी विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें लोग सम्मिलित होंगे, आनंदित भी होंगे, आनंद लेंगे, ये भाव लेंगे कि हम शिव जी की बारात में सम्मिलित हो रहे हैं, इस भाव से सम्मिलित हो और साक्षी बने और साथ ही साथ ये संकल्प लें कि हमें गौवंश की रक्षा करनी है, क्योंकि वो हमारे धर्म का, अर्थ का, स्वास्थ्य का आधार है। आपका क्या प्रोग्राम है आज? कहाँ पर है प्रोग्राम? ये जा रही है बड़ा। किस तरह से लगन हो रहा है, किस तरह से शादी हो रही है? हम गाय की तरफ से। अच्छा, गाय की तरफ से आप। कितने बाराती जा रहे हैं? 100 बाराती तो होगी, आराम से हो जाएगा। कहाँ जानी है बाराती? MIT जा रही है। और कहाँ से आई है? ये CL गुप्ता मंडल। MIT जा रही है ढोल ताशे के साथ जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।